सो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और एक बड़ी कहेंगे कि हैप्पी डे आज हमारे लिए सुबह सुबह है। और पिछले 8 घंटे पहले लगभग शाम को कल एक बड़ी अच्छी खबर आई। और जैसा मैंने पहले आपको अपडेट दिया था, और जो लगातार खलबली AIFF को लेके मैं बनी हुई थी, और जो जिस तरह से चीज़ें चल रही थी, जहां AIFF को सस्पेंड कर दिया गया था, फिलहाल जो टेम्परेरी सस्पेंशन जो था, जो फीफा ने कड़े शब्दों में जो है वो AIFF को वार्निंग भी दी थी, चेतावनी दी थी लगातार, और फाइनली लगभग 11 दिन पहले उन्होंने फीफा को AIFF को सस्पेंड कर दिया था। तो कल एक बहुत अच्छी खबर आई है, जहां पे फीफा ने जो है वो लिफ्ट किया है सस्पेंशन को फिलहाल के लिए। और ये सब चीज़ें क्या है, और कैसे फीफा ने किस किस किन चीज़ों की वजह से जो है फीफा ने इस बार लिफ्ट किया है चीज़ों को। और सबसे बड़ी अच्छी खबर यह है कि भारत में जो शेड्यूल 11 से 30 अक्टूबर के बीच जो अंडर 17 वुमेन्स फीफा वर्ल्ड कप जो होना था, वो फिलहाल अभी जो है वो तय समय पर ही खेला जाना एक तरह से सुनिश्चित हुआ है। तो यहाँ पे जो है अच्छी खबर यहाँ से इस हिसाब से भी है, क्योंकि अगर हम पूरे लगभग जो है 80 साल से ज़्यादा के इतिहास को देखें, तो AIFF में कभी भी इस तरह के सस्पेंशन को नहीं झेला। तो यहाँ पे जो मनमानी जिस तरह से थर्ड पार्टी के इंटरफेरेंस, जो ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ थर्ड पार्टी, जो एक तरह से फीफा ने जिसका एक बड़ा कारण दिया था सस्पेंशन का, वो वहाँ पे एक तरह से सस्पेंशन का एक बड़ा कारण बना। और प्रफुल्ल पटेल एक बड़ा नाम जो है वहाँ पे लगातार बना रहा, जिन्होंने अपनी मनमानी लगातार करती रही, और अंत में जो है वो यही सोचते रहे कि ये सब चलता रहेगा और इसी तरह से AIFF चलती रहेगी और चीज़ें उनके हिसाब से मनमानी तरीके से चलती रहेंगी। लेकिन फाइनली जो है जब सस्पेंशन हुआ, और सस्पेंशन होने के बाद वेरी गुड मॉर्निंग, फाइनली सस्पेंशन होने के बाद जब AIFF जो है वो फीफा जो है वो थोड़ा सा एक तरह से हार सोने लगा AIFF के ऊपर, तो तब जाके जो है वो गवर्निंग बॉडीज और केंद्र सरकार ने खासकर जो है वहाँ पे इंटरफेरेंस किया था। तो उसके बाद लगातार, जैसे मैंने पहले भी आपको अपडेट दिया था, कि ये सस्पेंशन जो है वो उम्मीद यही करते थे कि टेम्परेरी हो, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ना हो, क्योंकि खिलाड़ियों को और बहुत सारे लोगों को इससे सफ़र करना पड़ सकता है। लेकिन फाइनली जो है फीफा ने फिलहाल जो है लिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि 2 सितंबर को ही ये जो चुनाव होने वाले हैं AIFF के, जो कि प्रेसिडेंट के और अन्य जो मेंबर्स होते हैं उनके, तो विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ थर्ड पार्टी, जहाँ पे एक बड़ा नाम जो है बन सिंह भूटिया, जो कि लेजेंडरी हैं, लेजेंडरी फुटबॉलर हैं इंडिया के, उन्होंने भी जो है नॉमिनेशन फॉर्म भरा है। और क्योंकि उन्होंने ये भी बताया, अभी मैं कुछ दिन पहले देख रहा था, तो बन सिंह भूटिया का एक काफ़ी ठीक ठाक सा मैनेजमेंट का, या इवेंट मैनेजमेंट, या कई ऐसी बड़े इवेंट्स में उन्होंने एक तरह से ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में भी काम किया है, तो कहीं ना कहीं उनका एक एक्सपीरियंस वहाँ पे ज़रूर काम आएगा। तो उन्होंने ये नॉमिनेशन इस तरह से भरा है। उसके अलावा एक पुराने आई थिंक एक जो चौबे गोलकीपर जो हैं, उनको साथ एक अच्छी फाइट उनकी नज़र आ रही है। तो दोनों जो हैं प्रेसिडेंट पद के लिए नॉमिनेशन भर चुके हैं, और उम्मीद यही है कि इन दोनों में से शायद प्रेसिडेंट कोई बनेगा। लेकिन फाइनली जो है वो स्पोर्ट्स पर्सन्स और इस तरह के लोगों का जो AIFF या गवर्निंग बॉडीज़ में जो एंट्री होती है, और थर्ड पार्टीज़ जो कि खासकर पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस होता है, वो लगातार जो गवर्निंग बॉडीज़ पे, स्पोर्ट्स गवर्निंग बॉडीज़ पे बनता हुआ दिखता आया है, वो शायद यहाँ से थोड़ा सा एक सबक ज़रूर हमें मिला है। और सस्पेंशन एक, मुझे ऐसा लगता है कि एक ज़रूर हमें उससे ज़रूर धक्का लगा, हमें लगा कि यार ये एक शेम फुल बात हो गई हमारे लिए, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ से लर्न करने वाली चीज़ें बहुत हैं। क्योंकि फिलहाल फीफा ने जरूर लिफ्ट किया है सस्पेंशन को, लेकिन वो निगरानी मॉनिटरिंग लगातार कर रही है जो 2 सितंबर को जो चुनाव होने हैं उसके ऊपर, और AIFF को लगातार सपोर्ट भी कर रही है कि इस तरह के इलेक्शन जो आप कराएंगे सही तरीके से, उसके ऊपर मॉनिटरिंग करते आई आ रही है। और लगभग जो है 2 सितंबर के 24 घंटे के अंदर भी उसका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाना है। तो कहीं ना कहीं AIFF अब सही तरीके से चलने लगी है, और उम्मीद यही है कि और भी फेडरेशंस, अगर मैं और फेडरेशंस के भी नाम लूँ, जैसे हॉकी इंडिया का भी एक बड़ा बवाल यहाँ पे लगातार चलता आया है, जहाँ पे FIH प्रेसिडेंट नरेंद्र ध्रुव बत्रा को अगर आपने देखा होगा इससे पहले, और मैंने भी आपको यहाँ पे अपडेट दिया था, कि जिसमें उनको भी एक तरह से IUA के प्रेसिडेंट भी वो थे, FIH प्रेसिडेंट थे, हर जगह से उनको जो है वो हटा दिया गया, और अंत में उनको खुद रिज़ाइन करना पड़ा। और वहाँ पे HI में उनका जो दखल था, उसकी बात वहाँ पे लगातार कही गई थी। तो कहीं ना कहीं इस तरह के जो इन्फ्लुएंसेस हैं, जो कि थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंसेस जिसे कहते हैं,
जिसकी एक बड़ी वजह यहाँ पे फीफा ने फुटबॉल AIFF को सस्पेंशन जो है वो दिया था। तो ऐसे ही और गवर्निंग बॉडीज भी उम्मीद करते हैं कि इस तरह के इन्फ्लुएंस से बचें और सही सेट पैटर्न में सही जो कॉन्स्टिट्यूशन है स्पोर्टिंग गवर्निंग बॉडीज का, जो कि उनकी प्राइम गवर्निंग बॉडीज है, उनके हिसाब से अपने कामों को करें, अपने हिसाब से उनके हिसाब से चीज़ों को आगे चलाएं। तो फिलहाल ये एक हैप्पी डे हमारे लिए हो सकता है, क्योंकि 15 अगस्त के बाद जो एक डार्क डे इंडियन फुटबॉल के लिए वहाँ पे हमने देखा, 80 साल 85 साल के इतिहास में पहली बार AIFF को इस तरह से सस्पेंड किया गया किसी वजह से। और वहाँ पे ये सस्पेंशन खिलाड़ियों के लिए और कोचेस के लिए और अन्य जो खेल प्रेमी हैं, फुटबॉल प्रेमी हैं, उनके लिए कितना बड़ा एक तरह से सेटबैक होता है ये आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे एक अच्छी खबर यहाँ पे कल रात को लगभग 8 घंटे पहले जो है वो मिली थी, तो मुझे लगा कि आपको अपडेट देना चाहिए। यहाँ पे AIFF ने एक साफ जो उन्होंने एक ऑफिशियल लेटर, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए ये खबर दी थी, और उसे अगर आप इंटरनेट पे जाके पूरा पढ़ेंगे तो वहाँ पे साफ उन्होंने लिखा है कि जो जितने भी अफेयर्स हैं, जितने भी चीज़ें हैं, वो सारी लगभग जो है रिगेन कर दी गई है AIFF को फीफा ने। तो यहाँ पे जो सस्पेंशन है फिलहाल लिफ्ट कर दिया गया है, सारी चीज़ें कंट्रोल में है। और सबसे खुशी की बात यह है कि जो हम कह रहे थे कि अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप पे कहीं इस तरह की कोई खतरा ना बने, लेकिन वहाँ पे ये भी अच्छी खबर है कि अंडर 17 वुमेन्स फुटबॉल जो कि इंडिया में स्केड्यूल्ड है, अक्टूबर में होना है, वो फिलहाल तय समय पर होगा और इंडिया में ही उसका वेन्यू रहेगा। ये फिलहाल जो है एक अच्छी खबर वहाँ पे AIFF के हवाले से आई है। तो यही उम्मीद है कि ये सब चीज़ें चलती रहें और भी गवर्निंग बॉडी इससे लर्न करते रहे, AIFF इससे और लर्न करें, और अच्छे इलेक्शंस के बाद जो भी प्रेसिडेंट बने वो इन गवर्निंग बॉडीज़ को अच्छे से रन करके, जो कि खिलाड़ियों के हित में या खिलाड़ियों को सपोर्ट करने में कहीं ना कहीं काम करें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आगे भी हम इस तरह से आपसे जुड़ते रहेंगे। इस तरह के वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, और जितने भी स्पोर्ट लवर हैं उनको शेयर ज़रूर करिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, आगे भी आपसे इसी तरह से जुड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।